हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ तिल गुड़ की चिक्की, जिसे तिल गुड़ की पट्टी भी कहा जाता है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है और साथ ही साथ ये सेहतमंद भी है, लेकिन इसे बनाना थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आपसे एक भी भूल हो गई तो आपकी चिक्की बिगड़ सकती है। इसीलिए आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसे बनाने की आसान और परफेक्ट रेसिपी, जिससे आपकी चिक्की एकदम परफेक्ट बनेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके लिए हमें दो सामग्री की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम सफ़ेद तिल, और तिल के साथ मैंने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम देसी गुड़। चलिए दोस्तों, फटाफट से हम रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गुड़ को बारीक काट लेंगे, जिससे कि जब हम इसे मेल्ट करें तो ये आसानी से मेल्ट हो जाए। चलिए दोस्तों, गुड़ तो बारीक कट कर तैयार हो गया। आइए अब तिल को प्रिपेयर करते हैं। तो हम यहाँ पे तिल को लेंगे, अच्छे से साफ कर लेंगे, और उसके बाद हम इसे डायरेक्ट पैन में डाल के ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसे हम धीमी आंच पे लगातार चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। तिल को रोस्ट होने में थोड़ा सा समय लगता है, तो आप इसे प्रॉपर टाइम दें। अगर आप आंच तेज करके इसे भूनेंगे तो ये जल जाएगा और अच्छे से रोस्ट नहीं होगा। तो धीमी आंच पे समय देके हमने इसे भून लिया है। अब ये हल्का गोल्डन हो चुका है, तो अब गैस को बंद कर देंगे। आइए दोस्तों, ये जो हमने गुड़ बारीक काटा था, इसे मेल्ट कर लेते हैं। इसके लिए हम कढ़ाई में डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल, और उसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ गुड़। यहाँ पर भी हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे। जैसे ही गुड़ कढ़ाई में जाएगा, ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, और गुड़ को हम लगातार चलाते हुए मेल्ट करेंगे। इसे नीचे से ऊपर की तरफ चलाएंगे, जिससे कि पूरे गुड़ में प्रॉपर हीट मिले और ये एक साथ मेल्ट हो जाए। तो अब गुड़ मेल्ट हो चुका है, लेकिन अब हम इसे प्रॉपरली पकाना है। गुड़ को लगातार चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि इसके ऊपर अच्छे से झाग ना आ जाए। जब इसके ऊपर झाग आने लगेगा, इसका मतलब जो आपका गुड़ है वो अब तैयार हो रहा है। तब इसमें बबल्स आ रहे हैं, आप इसका कलर भी देख सकते हैं, चेंज हो रहा है, और इसके ऊपर झाग भी आ रहा है। अब हमारा जो गुड़ है वो लगभग तैयार हो चुका है। आइए इसे एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम कटोरी में लेंगे नॉर्मल टेम्परेचर का पानी, और इसमें हम ड्रिप करेंगे गुड़ की बूंदे। अगर गुड़ की बूंदे पानी में जाते ही सेट हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, इस तरह से वो बॉल्स के फॉर्म में आ जाती हैं, इसका मतलब आपका जो गुड़ है वो तैयार हो चुका है। बस इसी स्टेज पे गैस को बंद कर देंगे और इसमें डाल देंगे भुना हुआ तिल, और तिल को हम लगातार चलाते हुए डालेंगे, जिससे कि ये मिक्स हो जाए। तिल गुड़ में अच्छे से मिक्स हो चुका है। आइए चिक्की को सेट करते हैं। इसके लिए हम एक प्लेट पे पहले से ही अच्छे से घी लगा कर रख देंगे, और इसमें हम गरम गरम तिल और गुड़ का मिक्सचर डाल देंगे। अब इस मिक्सचर को हम प्लेट में अपने आप सेट होने देंगे। जब आप इसे पूरा प्लेट में डाल लें, तो एक बार आप प्लेट को इस तरह से चला लें, जिससे कि ये पूरी तरह से इवन हो जाए। अब इसे 2 घंटे तक सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। 2 घंटे में अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा, उसके बाद हम इसे प्लेट में से निकाल लेंगे। तो 2 से 3 घंटे बाद मैंने चिक्की को प्लेट पे से निकाल लिया है। अब हमारी चिक्की बनकर रेडी है, तो मैं इसे आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये कितनी ज़्यादा टेस्टी और क्रंची बनी है। तो आप देख सकते हैं, चिक्की एकदम आसानी से परफेक्टली टूट रही है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, तो इस रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।